अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने हमीरपुर विधानसभा के अंतर्गत बमनसन क्षेत्र में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर हमीरपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर चुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव में पूरी शक्ति से भाजपा की उपलब्धियों और मौजूदा कांग्रेस सरकार की नाकामियों का प्रचार प्रसार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय एक सफल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा तथा आम जनता से संपर्क के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आशीष शर्मा भाजपा प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव को भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के इस बमनसन सेक्टर का कार्यालय का उद्घाटन यहां पर हुआ है, जिसके लिए मैं हमारे यहां के प्रत्याशी आशीष शर्मा जी को बधाई देता हूं और यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। ये कार्यालय शुभ समय में खुला है, जो इस बात का संकेत है कि इस कार्यालय से शुरू किया गया चुनावी अभियान विजय की ओर बढ़ेगा और आशीष शर्मा जी इस चुनाव को भारी बढ़त के साथ जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये कार्यालय जीवंत कार्यालय बनेगा, कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए, जनता के संपर्क के लिए ये कार्यालय काम करेगा और निश्चित रूप से इस चुनाव को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और ये निश्चित है, जिस तरह से इतनी अधिक संख्या में कार्यकर्ता इतनी सुबह ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है, जिसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार फिर से आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने।